एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। लीग ही दौरे हुकूमत में जरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। 53 RC, 69 कॉन्ट्रैक्ट और 603 डेली वेजेस, 177 एडहॉक मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर की गई भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं और इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियाँ शफीक ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ शफीक बताएगा, जिन भर्तियों का इंकशाफ हुआ है अब उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब से ये कार्रवाई शुरू होगी, क्या इसके स्टेप्स होंगे, किस तरह से ये कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, ये कार्रवाई होगी। कार्रवाई के सिलसिले में बाकायदा तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम ऐसे मुलाजमीन की फहरिस्तें बना ली गई हैं जो कि साबिक दौरे हुकूमत में जिनको भर्ती किया गया था सियासी बुनियाद पर, और ये ज्यादातर जो भर्ती थी साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह और उस वक्त के जरिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान, जो कि आपस में रिश्तेदार भी हैं, करीबी तल्लक है, दोनों का गठजोड़ था। इसी बुनियाद पर इनमें बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके बारे में इतला है कि उन्होंने बाकायदा भारी रकम भी अदा की थी भर्तियों के सिलसिले में। फिर सियासी बुनियाद पर भर्तियाँ थी, इनमें जिस तरह आपने बताया कि 55 आर्जी मुलाजमीन हैं, 46 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे और 603 डेली वेजेस पे मुलाजमीन भर्ती किए गए थे जिनकी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि जरिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो मोहम्मद हुसैन, जिनके बारे में ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो खास दस्तराज थे राना सनाउल्लाह और साबिक वीसी के, और वो भी पिछले 10-12 साल से इसी सीट पर बर्जमान है और अभी तक भी वो इसी सीट पर काम कर रहे हैं, इनके हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी। और जो जितनी सियासी बुनियाद पर भर्तियाँ हुई हैं के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।